और इन इन पे के ऊपर एक कमीशन बिठाया जाए कि ये जो फोटो कहां से उठाते हैं और लोगों को कौन सी इनकी सड़कें अभी खुली पड़ी हैं, कोई सड़क इनके पास नहीं है। राज साहब, क्या कहना चाहोगे आप? कल एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा। आप देखिए, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है, हमें बहुत दुख है उस चीज का। कल जो आपने वो न्यूज भी चलाई थी, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा वहां के भाईचारे को, उन लोगों को। यही मैं बात कर रहा था पीएमजीएसवाई की, जो कोई ठेकेदार है जिसके पास वो सड़क थी चिली वहां गली बटोली वाली, अगर उसकी स्नो क्लियरेंस होती तो वहां से लोगों को उसको पैदल चला के नहीं लाना पड़ता, वहां से लोगों ने पैदल चला के लाया। और उसके बाद बहुत बड़ी बदकिस्मती हमारी है, आपके डोडा में भी या किश्तवाड़ में भी जैसे एयर फैसिलिटीज है, मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जम्मू कश्मीर से यहां से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि गुंदों के मकाम पे हमारे पास हेलीपैड है और यहां इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए जिस तरह से डोडा में है, किश्तवाड़ में है। और अगर ये चीज होती तो हमारी एक जिंदगी बच जाती, क्योंकि जब तक हम यहां से पेशेंट को इन इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से पेशेंट को यहां से गुंदो हमारे पास, फिर यहां तो इतनी फैसिलिटी है होती नहीं हमारे जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुंदो में, यहां से जब तक डोडा पहुंचाया जाता है और डोडा से भी रेफरी करना होता है। लिहाजा हम चाहेंगे, अपील करेंगे, इनसे मांग हमारी पुरजोर मांग है कि गुंदो में एक चॉपर सर्विस, खास करके अगर आप गर्मियों में नहीं भी रखते लेकिन सर्दियों में ये 3 महीने के लिए यहां कंटिन्यू होनी चाहिए। कई बच्चों के एग्जाम्स भी होते हैं उन चीजों के लिए, लेकिन जो इमरजेंसी जैसे कोई सीरियस होता है, कोई बीमार होता है, कोई गिर के इंजर्ड होता है, कोई डिलीवरी केसेस हो जाते हैं, बहुत सारे जो मसाइल हैं, इन्हीं चीजों के लिए दूर दराज से हमें गुंदो हेड, शायद ये आवाज जो सोशल मीडिया पे भी कई आवाजें चलती रही लेकिन ये शायद पहुंचती नहीं है उनके कानून तक। तो हम चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी ऊपर बड़े ऑफिसरान बैठे हैं, सेक्रेटरीट के अंदर जो बैठे हैं मनोज सिन्हा जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर हैं, उन तक हमारी ये बात पहुंचे और इन लोगों को ये जो इनको मुतहरक करें, जो मशीनरीज हैं इनको मुतहरक करें। इस चीज़ के लिए हमारी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो बिजली का मसला है, पानी की बात करें, अभी कोहरा है कई जगहों पर, पानी की लाइनें, खैर पानी का अभी कुछ इलाकों में प्रॉब्लम है, कुछ इलाकों में चल भी रहा, लेकिन बिजली से बहुत परेशान है। और कुछ लोग हमने सुना अभी वो बता रहे थे कल भी सड़कें यहाँ के, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी उनके इलाकों के अंदर, उनको देखना चाहिए था रूरल डेवलपमेंट से, चाहे हमारे BDCs हैं, चाहे हमारे DDCs हैं, उनको देखना चाहिए रूरल डेवलपमेंट की जो फुटपाथ्स भी, जहाँ ये तो सड़क जहाँ पे जाएगी उसके अलावा जहाँ अभी चार पाँच फुट बर्फ गिरी है इलाकों के अंदर, वहाँ जो फुटपाथ्स हैं हमारे उनको क्लियर कराया जाना चाहिए जैसे पहले होता था। रूरल यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से पैसा ला सकते हैं, दे सकते हैं और बात कर सकते हैं, वो नहीं, वो पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ निकलते हैं और कोई बात तो यहाँ अमली तौर पर जमीनी सतह पर हम देख नहीं रहे। इन चीज़ों के लिए हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारी बात जो है सरकार के कानून तक पहुँचे। इलाके के अंदर लोग परेशान तो नहीं है, हम नहीं कहेंगे परेशान, ये खुशकिस्मती हमारी है, ये बर्फ गिरी, हमें बर्फ तो ज़रूरी थी क्योंकि इस महीने में भी बर्फ का आना जरूरी है, नियामत है ऊपर वाले की तरफ से। लेकिन इन चीज़ों के लिए जो लोगों की शुरू करने के लिए जो लोग यहाँ डिप्लाई किए होते हैं, जो एम्प्लायर्स महकमा जात के हैं, तो उन्हें उनको देखना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो कि बहुत ही एक्टिव हैं इन हालात में रहते हैं, तो उन तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे। तो हम सड़कों का जो मसला है, ये तो बिजली का, उसके बाद बिजली की बात करें, 7 दिन हम पूरे गुप अंधेरे में रहे और ये आज ही का, ये आज तो बर्फ़ गिरी, बर्फ़ की बात ही नहीं है। STD जो यहाँ आती है, जो ठाठरी जो खलेनी से यहाँ के लिए आती है ठाठरी गुंदो, तो कभी ये तो कभी रिस्टोर होती ही नहीं है। अभी बारिश की बूंद आसमान पे होती है, 10-10 साल पुरानी वायर्स लगी है, कई एक दो स्पैन की वजह से पूरे इस इलाके को 1.5 लाख की आबादी इस भलेसा के अंदर अगर पूरी देखी जाए तो पूरा गुप अंधेरे में 6-7 दिन उन्होंने पूरे अंधेरे में रखा है और आंख बिचोली का काम कर रहे हैं वो भी। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम में, मेन मकसद यही है और बदकिस्मती हमारी इस इलाके की यह है
हमारी इसकी डिवीजन भी किश्तवाड़ पड़ती है, लेकिन पहले जब एसटीडी वाले रिस्टोर करें तो उसके बाद वो दूसरे रिसीविंग स्टेशन से भी आगे का काम शुरू हो जाए। उनके पास अगर ट्राई देने के लिए कहीं पावर हो तो बिजली का बोरा रहा 6-7 दिन अभी भी, 6-7 दिन अभी होगा। क्या ये फेलियर है गवर्नमेंट का कि ये सारा गवर्नमेंट फेलियर है? जो कल कल वाला जो है ये पूरा गवर्नमेंट फेलियर है। मुझे बताइए इनको जंगी जो आप आज के हालात इनके जंगी हुकूमत नाम की तो फिलहाल कोई चीज ही नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप है, यहाँ तो बैरोक्रेसी है। हाँ, हमारे जो ऊपर आला होते थे आराम तक सोए हुए हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, ये जो है मैं कह रहा हूँ यहाँ ये जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस बारे में कि एक आदमी की जान कहां से आ सकती है। आप एक सड़क बना सकते हैं, आप एक बिल्डिंग बना सकते हैं अगर कोलैप्स होती है, लेकिन एक आदमी की जान अगर जाती है आप कहां से ला सकते हैं? और ये लैक आप ये तो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लैक आप देखो ना, अगर सर्विस होती इस वक्त हमारा उस वक्त चापर का इंतजाम हुआ होता किस जगह भी नहीं चापर बैठ सकता, हर जगह चापर बैठता है। इसके लिए गवर्नमेंट को आंखें खोल के ये फैसले लेने चाहिए, और यहाँ चापर के लिए भी कई लेटर भेजने पड़ते हैं, यहाँ इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले BMO रिकमेंडेशन देगा फिर SDM, यहाँ 20 किलोमीटर चल के आना टेलीफोन पे और इमीजिएट इनके ऐसे वो आदमी होने चाहिए इलाकों के अंदर कहाँ इमरजेंसी, और इमीजिएट उसे लिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी उसकी जिंदगी जो है कहीं दोबारा से बच सके। ये गवर्नमेंट का पूरा फेलियर है, बिजली डिपार्टमेंट का फेलियर, महकमा PMGSY का फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी फेल है। हम तो मानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन